नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, अपने हिंदी में चैप्टर 2 पूर्ण हो गए हैं। आज हम देखेंगे चैप्टर 3 यानी कि पार्ट 3, जरा मुस्कुराइए। तो यहाँ पे मुस्कुराइए मतलब कि यहाँ पे जो दिए हैं जीवन में हास्य बहुत महत्व है। जीवन में हास्य बहुत महत्व है कि हास्य जीवन में दुख को भुलाकर उमंग भर देता है। अपने जीवन में हास्य भी बहुत एक महत्व का भाग है, इसीलिए जीवन में थोड़ा बहुत दिन में एक बार हंसना भी बहुत जरूरी है। जेम के गुजराती में कहेवत छे, हसे तेनु घर वसे। पण एटलू भी ना हसो कि आपणी जिंदगी बर्बाद थई जाए। एटले कि हसो, हसे तेनु घर वसे, एटले कि जीवन में हमेशा हसवू पण जरूरी छे। यानी कि अपने जीवन के में हास्य का बहुत महत्व है। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लाइफ में बहुत सुख दुख ये सब आता जाता है, इसीलिए इन सब के बीच में रहकर हास्य अपने जीवन में बहुत जरूरी है। हंसने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, इसीलिए दिन में एक बार हमको जोर जोर से हंस लेना चाहिए। तो आइए कुछ ऐसे हास्य जैसे चुटकुले आज हम पढ़ेंगे। चुटकुले पढ़ने से अपने आप अपने को खुद को हंसी आ जाएगी, मुस्कुराने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे। ऐसा कुछ चुटकुला हो और अगर हम सुनने से नहीं हंसे, ऐसा हो ही नहीं सकता। चुटकुला हास्य लायक हो तो हम पढ़े तो हमको हंसी अपने आप आ जाएगी। तो यहाँ पे ऐसे कुछ चुटकुले दिए हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहला चुटकुला है, मालिक किरायेदार से। एटले के मुझे मालिक छे ये किरायादार ने, तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते। एटले के जे मालिक छे ये किरायादार, एटले के मालिक छे ते भाड़वाते एवं कहे छे कि तमे मने भाड़ू केम नहीं आपता, कि तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते। किरायेदार, जो किरायादार रहता है वो कहता है, आपने ही तो कहा था इसे अपना ही घर समझना। इतले के जारे यानी कि जब भी कोई मकान मालिक है वो किरायेदार को अपना खुद का मकान किराए पे दे रहा है, तब उसी ने ऐसा कहा कि ये अपना खुद का मकान समझकर रहना। यानी कि उसका साफ सफाई साफ सुथरा रखना, अच्छे से अपना खुद का वो वैसे रहना, उसका कहने का मतलब वो था। लेकिन जो किरायेदार रहता था उसने क्या सोचा कि किराया नहीं देने का, अपना खुद का घर समझ के रहने का। इसीलिए जब मालिक ने उससे कहा कि तुम मुझे किराया क्यों नहीं दे रहे हो, तभी किरायेदार ने क्या कहा कि आपने ही तो कहा था कि अपना खुद का घर समझना, तो अपना खुद का घर होता है तो हम किराया देते हैं, नहीं देते ना। उसके बाद दूसरा चुटकुला है, सोनू का सिर फट गया। जो सोनू नाम का लड़का था उसका सिर क्या हुआ, फट गया। डॉक्टर, सोनू से यह कैसे हुआ। यानी कि सोनू का सिर फट गया है, वो डॉक्टर के पास जा रहा है, तभी डॉक्टर ने पूछा कि सोनू ये सब कैसे हुआ, कैसे तुम्हारा सिर फट गया। तो सोनू क्या कहता है, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। एक आदमी ने मुझे कहा, गधे कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया करो। इतने के यानी कि वो पत्थर से, ये दीवार है, दीवार पे खील क्या कर रहा था, पत्थर से ठोक रहा था। तो किसी ने ऐसे कहा कि अरे कभी तो खोपड़ी का भी इस्तेमाल किया करो, तो उसको ऐसे लगा कि ये खोपड़ी का इस्तेमाल करना है, उसने अपनी खोपड़ी पे मारा, तो क्या हुआ, फट गया। इस तरह ऐसा चुटकुला जब आता है तब हमको हंसी अपने आप आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आगे, जरा ऊंचा बोलो, माफ करे अंकल इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। यानी कि
किसी की आदत है, पता है आप लोगों को, कि धीरे धीरे बात करना, धीरे धीरे बोलना, यानी कि पास वाले पड़ोस वाले को भी पता नहीं चले वो क्या बोल रहा है। इसीलिए उसने क्या कहा, जरा ऊंचे बोलो, यानी कि आवाज थोड़ी तेज करो, जोर से बोलो। उसने क्या कहा, टेबल पर चढ़ गया, कुर्सी पर चढ़ गया और क्या, अब इससे ऊंचा चढ़कर मेरे को बोला नहीं जाए। इसीलिए कि जरा ऊंचा बोलो, यानी कि माफ करे अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। इसके बाद तीसरा यहाँ पे चित्र दिया है, उसमें चुटकुला है, डब्बू इतिहास में उस लड़के का नाम है डब्बू, उस लड़के का नाम है डब्बू। तो उसने क्या कहा कि डब्बू तुम फेल कैसे हो गए इतिहास में, क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा ही नहीं हुआ। डब्बू तुम इतिहास में कैसे फेल हो गए, तो डब्बू ने क्या आंसर दिया, सारे प्रश्न जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था उससे पहले के थे। तो चलो अब उसके आगे, मुन्ना पापा कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। यहाँ पे मुन्ना था, वो उसके पापा को क्या कह रहा है कि पापा कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। तो पिता ने, शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी, तो 1:30 कहाँ से बज गए। तो मुन्ना, सच में तो पढ़ने में इतना मग्न था कि मुझे पता ही नहीं चला, लाइट तो थी ही नहीं, कैसे मग्न हो गया, बिना लाइट के दिखता है क्या, दिखता है। मुन्ना से एक बार, मुन्ना यानी कि छोकरो छे, तेना पप्पा ने एवं कहे छे कि पप्पा हूँ रात्रे 1:30 वाग्या सुधी भणतो हतो, त्यारे तेना पिता एवं कहे छे कि शाबाश बेटा, पण एवं कहे छे पण रात्रे तो 11 वाग्या पछी लाइट जती रही थी आखा मोहल्ला, एटले के आखी गलीमां क्यांय लाइट हती नहीं, तो ते केवी रीते 1:30 वाग्या सुधी भण्यो। तो शुं कहे छे કે પપ્પા હું ભણવામાં એટલો મશગુલ હતો કે મને ખબર જ નથી લાઈટ ક્યારે ગઈ। ઠીક હે, બસ સુન લીએ, અબ આપ લોગ ઘર જાકે આપકે ઘર પે અગર સામાયિક અખબાર મેં ચુટકુલે આતે હૈ વીક મેં એક બાર યાની કે સટરડે કો યાની કે શનિવાર કો આતે હૈ ऐसा कुछ न्यूज़पेपर आता है उसमें आप लोग पढ़ना, चुटकुले हर रोज आते हैं, एक चुटकुला पढ़ना तो दिन में एक बार आप हंसोगे, हंसोगे तो अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इसीलिए अपने जीवन में हास्य बहुत जरूरी है, इसीलिए सारे दुख दर्द हम भूल के हास्य हंसेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पास में एक चित्र दिया हुआ है, यहाँ पे पास में चित्र दिया हुआ है, उसमें चुटकुला दिया है, इस चुटकुले में डाकखाना दिखाई दे रहा है, तो डाकखाने में मैं डाकखाने जा रहा हूँ, पास में ही कितना भूखा है, कागज पत्र भी खा जाता है। कितना भूखा है रे, डाकखाने में। चलो ठीक है, बस अब उसके आगे तो अब उसके आगे आप लोगों के घर सामायिक अखबार के चुटकुले पढ़िए और कक्षा कक्ष में सुनाइए। आपने जो चुटकुले सुने हो, पढ़े हो, उनको आपकी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित परिच्छेद में मुहावरे ढूंढ
लिखकर उनका अर्थ लिखिए। यहाँ पे क्या दिया है, रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है। क्या है, रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है। देखो ऐसे कुछ दो तीन और चुटकुले मैं सुनाती हूँ, आप लोग शांति से सुनना, ठीक है। तो पिता, राजू तुम हर बार इतिहास में उत्तीर्ण क्यों हो जाते हो? जो पिता है वो उसके बेटे का नाम है राजू, उससे कह रहे हैं कि बेटा तुम हर वक्त यानी कि हर बार इतिहास में उत्तीर्ण यानी कि पास क्यों हो जाते हो? तो राजू ने कहा क्योंकि इस विषय के सभी प्रश्न उस समय के होते हैं जब मैं पैदा भी नहीं हुआ हूँ। उसके बाद है पिता, बेटा जाओ डाकघर से दो चिट्ठियाँ लेकर आओ। बेटा पापा पैसे तो दीजिए। पिता, अरे बेटे पैसे तो सभी ले आते हैं, अगर तुम मेरे बेटे हो तो बिना पैसे के लेकर आओ। थोड़ी देर में ही बेटा चार पांच चिट्ठियाँ लेकर आ गया। पिता, अरे ये तो पहले से ही लिखी है। बेटा, पापा अगर आप मेरे पापा है तो लिखी हुई चिट्ठियों पर ही लिख कर दिखाइए। उसके बाद आगे हैं सोहन। उसके बाद आगे हैं सोहन। सोनल बताओ अक्कल बड़ी या भैंस बड़ी? सोनल, अक्कल बड़ी या भैंस बड़ी? तो सोनल ने कहा भैया पहले दोनों के जन्मदिन बताओ, तभी तो पता चलेगा कि कौन बड़ा है और कौन। उसके बाद आगे है सुनो। टीचर, जहाँ बहुत बारिश होती है वहाँ कौन सी चीज ज्यादा पैदा होती है? तो छात्र ने क्या कहा, टीचर से छात्र ने क्वेश्चन किया कि जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पैदा होता है? तो बच्चे ने क्या आंसर दिया, कीचड़। उसके बाद पिता, लंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं? लंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं? तो इसीलिए वहाँ कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग होते हैं। उसके बाद आगे अमित पहलवान से, कमाल है भाई, 5 साल पहले भी तुमने अपनी उम्र 32 वर्ष बताई थी और आज भी अपनी उम्र 32 वर्ष ही बताते हो। पहलवान, हम पहलवान हैं जो एक बार कह देते हैं उस पर अटल रहते हैं, अपनी बात से पीछे नहीं। यानी कि पहले भी 32 बताए अब भी 32 बताए, क्योंकि पहलवान जो एक बार कह देता है उसका उसूल है वो पक्का ही रहता है। एक बार कह लिया वो मतलब फाइनल, तो एक बार उसने बता दी 32 तो वो कभी भी 32 ही बोलेगा। उसके बाद आगे सुरेंद्र, नवीन इंसान की नजर ज्यादा तेज है या जानवर की? तो नवीन जानवर की। सुरेंद्र, यह तुम कैसे कह सकते हो? नवीन, क्योंकि जानवर कभी चश्मा नहीं पहनते। उसके बाद अंकल, आरती तुमने अखबार वाले को बिल देखा है? आरती, अंकल क्या शहर में लोग बिलों में भी रहते हैं? नौकर, मालिक आप एक साथ दो दो रोटियां क्यों खाते हो? तो मालिक ने क्या कहा, डॉक्टर ने मुझे डबल रोटी खाने को कहा है। डॉक्टर ने मुझे डबल रोटी खाने को कहा है।
एक छोटी बच्ची ने टेलीफोन पर अपने पिताजी की आवाज़ सुनी, वह जोर जोर से रोने लगी। माँ ने पूछा, अरे बेटी क्यों रो रही हो? तो बेटी ने कहा, अब इससे पिताजी कैसे निकलेंगे। उसके बाद मालिक ने, तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। मालिक ने नौकर से क्या कहा? कि तुम कुछ भी काम करो तो पहले मुझसे पूछ लिया कर। तो मालिक ने नौकर से कहा कि तुम कुछ भी काम करो तो सबसे पहले मेरे को पूछ लिया करो। तो नौकर ने कहा, मालिक रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या उसे मैं भगाऊं? उसके आगे सुशील, मेरे पिताजी जब माचिस की डिब्बियां खरीदते हैं तो सारी तिलियां गिनते हैं कि कहाँ कहीं कमी तो नहीं है, कम तो नहीं है। गीता, मेरे पिताजी माचिस की डिब्बियां खरीदते हैं तो सारी तिलियां जलाकर देखते हैं कि कोई तिली खराब तो नहीं है। सब जलाकर देखेंगे तो माचिस ले जाने का क्या मतलब? चलो ठीक है। उसके आगे यहाँ पे बहुत हंस लिया, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न दो, यहाँ पे प्रश्न दो में एक परिचय दिया है, उसमें से मुहावरे के अर्थ ढूंढकर लिखने हैं, जो मैं आपको यहाँ लिखवा रही हूँ। रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है, इसीलिए रमेश पिताजी की आंखों का तारा है। तो इसमें मुहावरे का अर्थ है आंखों का तारा। आंखों का तारा, उसका अर्थ क्या होगा? बहुत प्यारा। आंखों का तारा, उसका अर्थ होगा बहुत प्यारा। उसका वाक्य कैसे बनाएंगे? तो गौरव अपनी माँ का आंखों का तारा था। आंखों का तारा है गौरव, अपनी माँ के आंखों का तारा है। तो उसके बाद आगे हैं, उसके बाद आगे हैं, इस साल रमेश ने कमर कस के परीक्षा की तैयारी की थी। इस बार कमर कस के, कमर कसना यानी कि अच्छी तरह तैयार होना, कमर कसना यानी कि उसका अर्थ है अच्छी तरह तैयार होना। कमर कसना यानी कि अच्छी तरह तैयार होना। तो उसका वाक्य कैसे बनाएंगे? मैंने भी प्रतियोगिता में
जितने के लिए कमाल कस के तैयारी की कमर कसली कसली इतना लिखो तो भी चलेगा। उसके बाद आगे पैराग्राफ में है, कमर कस के परीक्षा की तैयारी की थी। जब वह परीक्षा देने गया तो उसका ईद का चांद मित्र महेश का नंबर भी उसके नजदीक था। ईद का चांद होना, बहुत दिन बाद मिलना, ईद का चांद होना यानी कि बहुत दिन बाद मिलना, बहुत दिन बाद मिलना। आजकल तुम ईद के चांद हो गए हो, दिखाई नहीं देते। आजकल तुम इसके चांद हो गए हो, दिखाई नहीं देते। उसके बाद आगे हैं, महेश अस्तिन का सांप निकला। महेश अस्तिन का सांप निकला, अस्तिन का सांप निकला और वह अध्यापक की नजरें चुरा के रमेश की कापी में से नकल कर रहा था। अस्तिन का सांप, उसका अर्थ क्या होगा? कपटी मित्र, मैंने मनोज पर
पूरा विश्वास किया, लेकिन वह आस्तीन का सांप निकला। मैंने मनोज पर पूरा विश्वास किया, लेकिन वह आस्तीन का सांप निकला। उसके बाद वह अध्यापक की नजरें चुरा के रमेश की कॉपी में से नकल कर रहा था। नजर चुराना के बाद है आग बबूला होना। एक रह गया है, लिख देते हैं यहाँ पे, प्रस्ताव पूरा हो जाएगा। पैराग्राफ में उस वक्त अध्यापक ने देखा और वे आग बबूला हो गए। बहुत क्रोधित होना। बहुत क्रोधित होना यानी कि
नौकर से गुलदस्ता टूट जाने पर मालकिन आग बबूला हो गई। तो यहाँ पे प्रश्न दो अभ्यास का मैंने करवाया है, उसके बाद बाकी है वो अपना जब नेक्स्ट पीरियड आएगा तब मैं आपको करवाऊंगी। आज का ये लेक्चर विद्यार्थी मित्रों यहाँ पे पूर्ण होता है। नमस्ते।